रघुबा देखिए भाई साहब, रघु नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, रघुबर दास सरकार को लोगों ने जो भी अच्छा बुरा उसका परिणाम रिजल्ट में दे दिया है, इसलिए हम 5 साल विपक्ष में बैठे। नहीं नहीं, मैं बताऊँ ना, अभी आप रघुबर दास जी का बात मत लाइए, अगर हम गलती भी किए थे 5 साल हम विरोधी पक्ष में बैठ लिया हूँ, अभी हेमंत सोरेन जी को 5 साल विरोधी पक्ष में बैठने दीजिए। 12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी FIR दर्ज कर दिया गया है। मतलब क्या है, अगर हेमंत सोरेन सरकार आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर देगा। मतलब सारा झारखंड का युवाओं को आज एक ब्लैकमेल का दायरे का अंदर लेके आया है। जो भी सरकार का खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, यूट्यूब में लिखेगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, कुछ भी आवाज उठाएगा, यही केस में गिरफ्तार कर लेगा। और केस कैसा डाला है, कोई सारे सेक्शन डाला है और नॉन अवेलेबल है। मतलब 12,000 कुन जुबा है, कोई नाम नहीं है, अज्ञात। मतलब जो भी आवाज उठाएगा, आप लोगों को, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। जालियाना बाग में भी ब्रिटिश ने ऐसा FIR नहीं लॉस किया था। स्वाधीन भारत में आप मुझको ऐसा दूसरा एक FIR दिखाइए जब 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर FIR दर्ज किया गया है, नहीं है। मैं झारखंड का DGP महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगाओ, एक लिमिट में रहिए। ये आज ये FIR सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या एक दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अज्ञात क्यों किया? मतलब आपने ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता खोल लिया। आप टीवी स्क्रीन में सब युवाओं का सहरा है, जो युवा मोराबादी में आया था उनका नाम में आप FIR दर्ज करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ब्लैकमेल का यह तरीका क्यों ढूंढा है? मैं झारखंड का DGP महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई इतना सुपला साफी मत करो, एक लिमिट क्रॉस मत करो। 12,000 युवाओं, मतलब आज पाकुड़ में भी कोई युवा आवाज उठाएगा आप इस केस में उसको अरेस्ट करेगा, आज हजारीबाग में कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों का साथ नोकझोंक होगा आप इसी केस में अरेस्ट कर लेगा। मतलब एक ओपन और एक जेनेरिक केस आपने ले लिया है, एक जेनेरिक केस आप ले लिया है। अभी झारखंड का जो भी युवाओं को आपको गिरफ्तार करना है इस केस में आप गिरफ्तार कर लेगा। क्या ऐसा कोई उदाहरण है देश में दूसरा? मैं टेक्निकी में तो नहीं जा रहा हूं, आज ये FIR देखिए, रणधीर सिंह का नाम में FIR हुआ है। क्या रणधीर सिंह वो दिन रांची में था? पता कीजिए, वो दिन वो कोर्ट में थे। क्या कांचे मुंडा वो दिन रांची में थे, वो हॉस्पिटल में थे? हम इसमें नहीं जाऊंगा, फिर भी रणधीर सिंह को बलिदान देना है, कांचे मुंडा को बलिदान देना है दे देगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब 12,000 बिना नाम का युवाओं का ऊपर आपने केस क्यों रजिस्टर किया? हम तो ये FIR को लेके हम झारखंड का DGP महोदय को बाद में कानून सिखा दूंगा, भाई कानून ऐसे लिखा जाता है। देश में तभी ऐसे होते हैं, जब एक DGP यहां में चल रहा था, UPSC से सिलेक्टेड DGP, राता रात आप खाली कीजिए, इंसर्ट DGP को लेके आइए, मतलब आपके लिए
वही काम करेगा। मैं चुनाव आयोग को एडवांस रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा डीजीपी नहीं चल सकते, चुनाव ऐसा डीजीपी के अंदर में नहीं हो सकता है जो डीजीपी निरस्त लोगों का ऊपर टियर गैस चलाता है, लाठी चलाता है, बारबेड वार का फैंस लगाते हैं। क्या युवाओं का अधिकार नहीं है? किसने बोला था 5 लाख नौकरी दूंगा? क्या हमने बोला था? आपने बोला था? अगर आप बोलते थे, अगर आप बोला होता, बोला है तो आपको तो जवाब देना ही है। यही तो गणतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है। बालू फ्री देगा क्या? ये बीजेपी ने बोला है, आप बोला है बालू फ्री दूंगा, अब क्यों बालू नहीं दे रहे अभी? तो ये झारखंड में सरकार नहीं चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रहा है। मैं डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, 12,000 लोगों का नाम बताइए, लेकिन ऐसे एफआईआर आप मत दर्ज कीजिए। अगर सचमुच 12,000 थे, मेरा हिसाब से तो 30,000 थे, यहां में भी आपने गलती कर दिया। हमारा हिसाब में तो वहां अंदर में 30,000 थे और बाहर में 50,000-60,000 लोग थे। 12,000 का संख्या 12,000 एक भी नहीं, आप देखिए 12,000 दो भी नहीं, 12,070 भी नहीं। अब एग्जैक्ट 12,000 आपको कैसे मिला, अब बताइए। हम लोग को ऐसा सोच रहा है क्या? हम लोग का कुछ दिमाग नहीं रहेगा। मैंने एक पुलिस अधिकारी को देखा भाई, उन्होंने मुझको पहले पूछा कि उनको 12,000 संख्या कहां से मिला। वो तो 11,099 भी हो सकते थे, 12,001 भी हो सकते थे, 12,000 कैसे हुआ? मतलब ये पूरा साजिश है। आप देखिए, जेएमएम का अधिकारी बोलते हैं कि भारत माता का जय बोलने वाला लोग 5,000 अंदर में था, बोले थे ना वो लोग, बोले थे ना अमर जी। वो जेएमएम का स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं कि 5,000 लोग थे मोराबादी में। अगर 5,000 लोग थे, आप 12,000 क्यों दर्ज किया? ये 7,000 आप किसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं? आज पहला बार मान लिया जेएमएम का साथ, ठीक है, अंदर में 85,000 था, ठीक है 5,000 था, बाकी 7,000 कौन है बताइए? और आपको 12,000 का कैलकुलेशन कहां से आया? एग्जैक्ट 12,000। डीजीपी साहब चल नहीं पाएगा आप ऐसे, आप गलत जगह में हाथ लगा दिया, ऐसे नहीं होते हैं। वो दिन चला गया कि हेमंत सोरेन जी सबको रक्षा करके रहेगा, वो नहीं हो पाएगा। भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है। तो मैं डीजीपी साहब को चैलेंज करता हूं, 3 दिन में आप 12,000 लोगों का नाम दीजिए, नहीं तो सारा झारखंड का युवाओं को ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये दस्तावेज जो बनाया है, हम लोग कोर्ट में भी लेके जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी लेके जाएगा। ऐसे 12,000 अज्ञात व्यक्तियों का ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता है। अब हमें पूछिए, हम नाम दे दूंगा आपको कौन कौन आए थे, टीवी में है, आंदोलन करने आए थे, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आए थे, आंदोलन करने का हमारा जन्मसत अधिकार है। भारत में आंदोलन करने का कोई अधिकार कोई लेके नहीं जा सकता है। आपने चीफ जस्टिस चंद्रचूर साहब का मेडिकल कॉलेज का, जो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज का केस चल रहा है, उसमें चंद्रचूर साहब का आपने बयान सुना, उनका वर्डिक्ट सुना कि आंदोलनकारियों का ऊपर अत्याचार मत करिए। जो बंगाल गवर्नमेंट के लिए जो होते हैं, वो झारखंड गवर्नमेंट के लिए भी वही होता है, असम सरकार के लिए भी कानून वही होता है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आप ऐसे नहीं कुचल सकता है। हम आपको बता के रखा हूं, सितंबर में हम लोग दोबारा आएगा, आपसे जवाब मांगने के लिए
हम लोग दोबारा आएगा सितंबर महीना में। इसलिए यह जवाब हमें चाहिए और जवाब देने का अधिकार आपको खाली 30 सितंबर तक ही है। उसका बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही आ जाएगा, चुनाव आयोग लेके जाएगा। हम लोग शहीद निर्मल महातो का समाधि में भी जाऊंगा और वहां जाके हम वहां से भी जवाब मांगूंगा। हम छोड़ने वाला नहीं हूं ऐसे। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, ये वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। 2000 रुपया 16 का खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। 72,000 रुपया प्रति साल आपको देना ही पड़ेगा। 5,000-7,000 रुपया भत्ता आपको देना ही पड़ेगा। पेट्रोल 25 लीटर में आपको पेट्रोल देना ही पड़ेगा। आप भूल सकते हो लेकिन हम आपको भूलने नहीं दूंगा। हम पूछते रहूंगा, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? ये बात हम हेमंत सोरेन जी को पूछते रहूंगा, सोने नहीं दूंगा, जागने नहीं दूंगा। आपका हर समय आपका कान में ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या? कोई आपको अगर कुछ पूछना है। लेकिन भारत माता आपको लाठी चार्ज करेगा क्या? लोग पुलिस का ऊपर स्लोगन नहीं करेगा? पुलिस का हाथ में बंदूक है, इसीलिए पुलिस के आपसे और मेरे से अलग है क्या? पुलिस का बेटाओं को नौकरी मिला? पुलिस का बेटियों को नौकरी मिला? झारखंड का पुलिस ओ दिन तो कुछ जैसे नीरस युवाओं का ऊपर टीयर गैस फेंका, पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। अभी पुलिस को हमसे जवाब मांगने का अधिकार नहीं है, गलत रास्ता में जा रहा है। कौन है ये एसएसपी हमें जवाब मांगने वाला? एसएसपी को आप जवाब मांगिए क्यों 12,000 लोगों का खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है? कौन है ये 12,000? क्या एसएसपी क्या भगवान है? हमने डेली एसएसपी से डील करता हूं, कौन एसएसपी होता है? युवाओं को लाठी मारने के लिए, युवाओं को टीयर गैस मारने के लिए कौन एसएसपी है? पत्थरबाजी आपने नखीला बार बार क्यों लगाया? अब पहले हमें जवाब दीजिए कि आपने डेमोक्रेटिक मूवमेंट को रखने के रुकने के लिए आपने ऐसे बार द्वार फेंसिंग क्यों लगाया? आपने लोगों को क्यों ऐसा सिचुएशन में आपने आने दिया? आपने भाषण का बीच में क्यों टीयर गैस लगाया? मैं तो जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करूंगा ना। आप लोगों का टीवी का फुटेज है, जब बाबूलाल मारांडी जी भाषण दे रहा था उस समय टीयर गैस का आवाज कहां से आया? क्या लड़का लोगों ने टीयर गैस चलाया? अरे हमारा तो आरोप है पुलिस पॉकेट में पत्थर लेके आए थे। अरे फुटेज है, पुलिस पहले पत्थर चलाया। हमारा तो ये सीधा आरोप डीजीपी और एसएसपी का ऊपर है, पत्थर आप लोग लेके आए थे, वही पत्थर घुमा के दस। और पुलिस का लोगों को ही अंदर में रखवा दिया सिविल ड्रेस में हमारे ऊपर पत्थर लगाने के लिए। अगर मैं वो आरोप करूंगा तो उनका जवाब क्या है? मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी लगाइए, जुडिशियल इंक्वायरी लगाइए, तब हमारा ऊपर आरोप लगाइए आप। बिना इंक्वायरी, बिना मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, बिना जुडिशियल इंक्वायरी आप आरोप का ऊपर आरोप लगाते रहेगा। और किसको आरोप लगा रहा है? झारखंड का युवाओं को। यह कोई घुसपैठी नहीं था वो दिन, कोई घुसपैठी नहीं था क्या आप आरोप लगाएगा? सर ये डीजीपी को लेकर जो बातें आपने कही, डीजीपी को लेकर जो बातें आपने कही, चुनाव आयोग में हम लोग जाऊंगा भाई, ऐसा डीजीपी चुनाव नहीं चला पाएगा। जो डीजीपी 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर करता है उनको चुनाव चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सबका फोन ऑन देख ही रहा है, वो भी मेरा मालूम है, किसलिए मेरा पास भी एक तंत्र है, वो तो जो कर रहा है कर रहा है। यानी फोन टैपिंग भी हो रहा है? टैपिंग नहीं, वो उनका भी सिस्टम होते हैं, ट्रैक करता है। टैपिंग थोड़ा अलग बात होता है, वो ट्रैक करना काम तो कर ही रहा है, वो तो छोड़ दीजिए।
लेकिन 12,000 अज्ञात युवाओं का नाम में आप कैसे एफआईआर कर सकते हैं? बोलिए, क्या एक युवाओं का नाम आपने वीडियो से निकाल नहीं पाए?